तो स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आकी और उसकी पूरी टीम 8th फ्लोर पे फंस चुके थे। डेविल के विश को पूरा करने के लिए डेंजी उस एटर्निटी डेविल के मुंह में कूद चुका था। फिर हम यहाँ देखते यहाँ डेंजी चेंसो मैन बनकर उस डेविल को काटना चालू कर देता है, लेकिन वो डेविल भी डेंजी को बहुत ही घायल कर रहा था। फिर वो डेविल डेंजी से बोलता है कि मुझे काटने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा दिल यहाँ है ही नहीं, तुम जितना काटोगे मैं उतना बड़ा होता जाऊंगा। लेकिन डेंजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेंजी उसे अनसुना करके उसे काटता रहता है। बाकी सभी लोग ये नजारा ऊपर से देख रहे होते हैं, जिसपे पावर बोलती है कि अगर डेंजी का ऐसे ही खून बहता रहा तो डेंजी का चेनसो मैन अंदर चला जाएगा, जिससे कि बहुत गड़बड़ हो सकती है। फिर हम देखते हैं वो डेविल डेंजी को चारों ओर से पकड़ कर बोलता है, तुम तो पिछले बार से ही बहुत कमजोर हो, कितनी शर्म की बात है, यहाँ काफी खून बहने से सही में डेंजी का पावर थोड़ा कम हो गया था। लेकिन डेंजी यहाँ रुकने वाला कहाँ था, उस डेविल को ही काट कर उसका खून पीना स्टार्ट कर देता है, जिससे डेंजी आसानी से हील हो जाता है और फिर डेविल को काटना चालू कर देता है। और उसे काटते हुए बोलता है कि तुम्हारा खून का टेस्ट गटर के पानी जैसा है, लेकिन तुम्हारी दर्द से जो चीख निकल रही है जिससे तुम्हारा ये बेकार खून भी स्वादिष्ट लग रहा है। फिर हम यहाँ थोड़ा हिमेनो के फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, जहाँ पे हिमेनो के सीनियर किशिबे ने हिमेनो को बताया था कि डेविल सिर्फ उन्हीं से डरते हैं जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है, जिनमें थोड़ा पागलपन होता है। समझदार और बहादुर डेविल हंटर से डेविल्स नहीं डरते। तुम्हारे अभी तक के सभी पार्टनर बहुत ही समझदार थे, तब भी वो मारे गए, क्योंकि वो सभी डेविल से डरते भी थे। वो नया लड़का जो आकी आया है, क्या वो भी समझदार है, जिसपे हिमेनो बोलती है कौन सा समझदार डेविल हंटर गन डेविल को मारना चाहेगा। यहाँ पे किशिबे बोलता है तुम भी तो डेविल हंटर इसीलिए बनी थी कि गन डेविल को मार सको, लेकिन तुम तो पागल नहीं हुई। लगभग सभी डेविल हंटर गन डेविल को मारने का सपना देखते हैं, लेकिन एक पागल इंसान जिसके दिमाग में क्या चल रहा है ये डेविल को पता नहीं होता, ये डेविल्स उन्हीं से ज्यादा डरते हैं। किशिबे ये सब कह के जाने लगता है कि ठीक है आकी को जल्दी से ट्रेन करो, जल्दी ऐसा होगा जब उसका सामना गन डेविल से होगा। फिर हम इधर देखते हैं डेंजी लड़ते लड़ते बहुत ही वीक हो चुका था, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। तभी यहाँ पे हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से वापस से डेंजी का चेन खींच देती है। ये सब करते हुए वो सोच रही होती है कि इसके जैसा पागलपन तो मैंने कहीं नहीं देखा, एक दिन ये जरूर गन डेविल को मार देगा। यहाँ पे डेंजी उस डेविल को बताता है कि मेरे पास एक मस्त प्लान है, मैं तुम्हें काटता जाऊंगा और तुम्हारा खून पीता जाऊंगा, जिससे कि मैं हील भी हो जाऊं, और तुम्हें तब तक काटता रहूंगा जब तक तुम खुद से मुझे अपना हार्ट नहीं दे देते। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद आकी होश में आ जाता है, और आकी हिमेनो से पूछता है मैं कितने टाइम से बेहोश था, जिसपे हिमेनो आकी को बताती है डेंजी बिना रुके 3 दिन से इटर्निटी डेविल से लड़ रहा है। इधर हम देखते हैं कि उस डेविल को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो डेंजी के सामने खुद ही अपना दिल आगे कर देता है और उससे भीख मांगता है कि खत्म करो ये खिस्सा, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। और आखिर में डेंजी उस डेविल को मार डालता है। और फिर हम देखते हैं सभी लोग उस होटल से जिंदा बाहर आते हैं। बाहर आते ही डेंजी बताता है मुझे भी गन डेविल का टुकड़ा मिल गया है, और ऐसा कहते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो 3 दिन से बिना रुके लड़ रहा था। यहाँ पे पावर और हिमेनो आकी और डेंजी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ हिमेनो कोबिनी और हिरोकाजू को बोलती है तुम लोग जाके ऑफिस में रिपोर्ट करो। कुछ समय बाद हिमेनो आकी से कहती है कि हमें सभी नए डेविल हंटर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखनी चाहिए, वो लोग कभी एक साथ नहीं बैठे हैं और ये करने से उन सबके बीच में बॉन्ड भी बढ़ेगा। कोबिनी और हिरोकाजू तो जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उन्हें मना पाए। वो दोनों तो डेंजी से माफी भी मांगना चाहते हैं, इसी बहाने वो लोग ये भी कर लेंगे। तभी आकी बोलता है अरे तुमने भी तो डेंजी को मारने की कोशिश की थी, जिसपे हिमेनो बोलती है मेरी बात अलग है, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। फिर आकी बोलता है कि हमें पार्टी इसी हफ्ते करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे माकिमा को भी बुलाना है, माकिमा अगले हफ्ते काम से बाहर जाने वाली है इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि डिवीजन 4 के जितने भी मेंबर्स थे सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं पार्टी करने के लिए। अभी बहुत मजे से खा पी रहे थे और पावर हर बार की तरह सबके खाने पे कब्जा कर रही थी। तभी आकी फूशी से पूछता है तुम अपनी फ्रेंड को यहाँ पे लेके नहीं आए, जिस पे फूशी बोलता है कि वो पावर की तरह समझदार नहीं है इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आई। डेंजी के बगल में बैठा हुआ आदमी उसे ऑर्डर करने के लिए कहता है, डेंजी मेन्यू में से कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा था। डेंजी हिमेनो से अपने किस के बारे में पूछता है, जिसका हिमेनो जवाब देती है कि मुझे अभी शर्म आ रही है, जब मुझे थोड़ी चढ़ जाएगी तब मैं तुम्हें किस दे दूंगी। तभी डेंजी के बगल में बैठा सीनियर डेंजी से कहता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करे और अपने बारे में सब कुछ बताए, जिसपे आकी कहता है तुमने कौन से डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ये बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तुम बस उन्हीं को बताओ जिन पे तुम्हें पूरा भरोसा हो। तभी डेंजी कहता है कि मेरा नाम डेंजी है, मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबी है सोना और खाना। सभी हैरान हो जाते हैं, ये तो उम्र में बहुत ही छोटा है। और हिमेनो से पूछती है कि कहीं तुमने शराब तो नहीं पी, जिसपे डेंजी बोलता है अरे नहीं नहीं
मैं तो सिर्फ चाय पी रहा हूँ। तभी हीरो काजू खड़ा होता है और कहता है कि मैं 20 साल का हूँ और मैंने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसपे डेंजी तुरंत बोलता है, अरे फॉक्स डेविल से तो आकी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसपे आकी डेंजी को बताता है कि फॉक्स डेविल इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है, इसीलिए फॉक्स डेविल ने बहुत सारे इंसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे कोबिनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन वो यहाँ पे अपने डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताती। अब यहाँ पे लोग फुशी से पूछते हैं कि तुम्हारा नया पार्टनर था वो कहाँ गया। जिसपे फुशी बोलता है, अरे वो तो कल ही मारा गया, कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक सेफ्टी में तो डेविल हंटर मरते ही रहते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे अपनी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए। अभी हिमेनो यहाँ बोलती है, लेकिन देखो डेंजी नहीं मरा क्योंकि उसे मुझसे किस चाहिए थी। जिसपे वो सीनियर डेंजी को बताता है कि हिमेनो नशे में सबको किस करते रहती है। यहाँ पे नए हंटर्स को छोड़ के उसने सभी को कर रखा है। ये सुनकर डेंजी तो और भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ माकिमा आ जाती है और डेंजी की बात सुन लेती है। और माकिमा आकी से पूछती है, कौन से किस के बारे में बात कर रहे हो। जिसपे डेंजी बोलता है, अरे किस, कौन सा किस, कैसा किस, मैं किसी को किस नहीं करने वाला। तभी हिमेनो बोलती है, तुम्हें किस नहीं चाहिए क्या। जिसपे डेंजी जोर से चिल्लाता वो बोलता है, हाँ चाहिए मुझे। यहाँ पे फिर डेंजी सोच रहा होता है, अरे यार मुझे किस तो चाहिए था लेकिन माकिमा के सामने नहीं। यहाँ पे डेंजी बात बदल देता है और इटर्निटी डेविल के बारे में बात करने लगता है। आकी भी पूछता है कि वो सिर्फ डेंजी को ही क्यों मारना चाहता था। जिसपे माकिमा बोलती है, मैं इसका आंसर तभी दूंगी आकी जब तुम मुझसे ज्यादा शराब पी के दिखाओगे। यहाँ पे बहुत सारा शराब पीने पे सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे एक सीनियर पावर की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारा फीन्ड होने पर भी तुम्हारा इंसानों को खाने का मन नहीं करता। जिसपे पावर बोलती है कि नहीं, मेरा IQ बाकी के फीन्ड से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ पावर को पता भी नहीं था कि IQ होता क्या है। जिसपे पावर बोलती है कि मेरा IQ 100 है। तभी वो सीनियर बोलती है, अरे ये तो बहुत नॉर्मल है, मेरा IQ 120 है और फोशी का 134। इसको सुनकर पावर बोलती है, नहीं तब मेरा IQ 1000 है। ये सब चल ही रहा होता है तभी अचानक से हिमेनो डेंजी को पकड़कर किस करने लगती है और ये करते हुए वहाँ पे सभी लोग उन्हें देख रहे थे। तभी डेंजी सोच रहा होता है, यार माकिमा भी देख रही है। लेकिन अब यहाँ हिमेनो ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसी वजह से वो यहाँ पे डेंजी के मुंह में ही उल्टी कर देती है। ये देखकर पास में बैठा सीनियर बोलता है कि बेचारे को जिंदगी भर का सदमा मिल गया। यहाँ पावर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है और डेंजी का मजाक उड़ाती है और कहती है, डेंजी की तो आदत है, इसे तो जो भी मिल जाए वो गटक जाता है। फिर हम देख रहे होते कि डेंजी बाथरूम में जाकर बहुत ही उल्टियां कर रहा था और हीरो काजू पीछे से उसे दिलासा दे रहा होता है और कहता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तुमसे तो जलन होती है कि तुम कितने टैलेंटेड डेविल हंटर हो। तभी डेंजी बोलता है कि तुम्हें मुझसे जलन होती है, देखो मेरा पहला किसी उल्टी से शुरू हुआ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे पार्टी खत्म हो जाती है और सारा पेमेंट माकिमा करती है और यहाँ सभी देख रहे होते हैं। यहाँ पे हिमेनो डेंजी को अपने पीठ पे उठाकर ले जा रही होती है। फिर हम देखते हैं रात में डेंजी को होश आता है जिसपे वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी हम देखते हैं हिमेनो उसके पास आती है और दोबारा से उसे किस करती है और फिर सोचती है कि डेंजी उसके घर पे क्यों है। ओ हो सकता है कि शायद मैं ही तुम्हें लाई होंगी। फिर वो थोड़ा नाराज होते हुए कहती है कि तुम भी माकिमा को पसंद करते हो ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आकी भी माकिमा को पसंद करता है। फिर हिमेनो डेंजी के बहुत ही पास लेट जाती है और धीरे से उसके कानों में कुछ कहती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू।